लेट्स टॉक अबाउट रेशियो। रेशियो का मतलब है बेटा, जब कभी भी कोई भी दो नंबर्स किसी कॉमन फ्रैक्शन से, किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल होते हैं और उनको पूरा क्लियरली सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, तो जब वो नंबर्स जो बचते हैं दे आर कॉल्ड इन अ रेशियो। लाइक फॉर एग्जांपल 7:14, ये दो नंबर्स हैं तो इनका रेशियो क्या है, 1:2। ये कॉमन नंबर से कट गए 7 से। अब आपके पास, मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाकर सीधी वो बात करती हूँ जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कहेगा a:b रेशियो में है 2:3 के और b:c रेशियो में है 3:5 के, तो बताइए a:b:c किस रेशियो में है। समझ आ रहा है? तो सिंपल क्या करना है बेटा, देखो b की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू दोनों में सेम है, तो a:b:c का आंसर हो गया 2:3:5। बस कुछ नहीं करना, लेकिन दिक्कत वहां आएगी जहां ये सेम ना हो। अगर यहां होता 4 तो क्या करते, तो सेम बना देते, कुछ नहीं करना था। अगर सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाएंगे, ऊपर वाले को 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, दोनों 12 हो गए। लेकिन अब क्या है कि ये जो ए है ना, ये बी का भाई है और बड़ा लड़ाका है, कह रहा है कि तेरे को चार मिला मुझे भी 4 चाहिए। सेम विद सी, कह रहा है तेरे को 3 मिला मेरे को भी 3 चाहिए। नाउ द रेशियो बिकम्स 8:12, 12:15, तो आंसर क्या होगा, 8:12:15। दिस इज द न्यू रेशियो। ये तब जब बी की वैल्यू जो हो वो सेम ना हो। इज इट क्लियर? तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मुझे कह रहा है, क्वेश्चन ने दिया है a:b, b:c, c:d। यहां पर बेटा इसको c:d कर लेना, a:b, b:c, c:d। ये अलग टाइप का है, एक बार यहां पे एक्सप्लेन करती हूं मैं आपको। जैसे ये तो 3 है, अगर हमें 4 दिए, a:b दिया है, b:c दिया है और c:d दिया है, ये दिया है 1:2, 2:3 एंड 3:4। इसकी ट्रिक याद कर लो, इसमें ऐसा नहीं कि हम सेम कर सकते हैं किसी नंबर को। ट्रिक याद करो, क्या करना है, a:b:c:d ये निकालना है। a कैसे निकलेगा, a निकलेगा जब मैं पहले वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं। a निकलेगा पहली लाइन के सारे नंबर को मल्टीप्लाई 1:2:3 से, मतलब कि 6। b निकलेगा, अब आपको क्या करना है, रूल सुनना, लेफ्ट को छोड़ के राइट को पकड़ो, लेफ्ट को छोड़ के राइट को पकड़ो। लेफ्ट छोड़ा, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट मोस्ट क्या है, 1 है ना, उसका राइट अगर मैं पकड़ूंगी तो 2 आएगा, तो नाउ b की वैल्यू आएगी 2:2:3, ठीक है, 2:2:3। लेफ्ट को छोड़ा, राइट को पकड़ा, क्या है, 2 2 4 4 3 12। अगेन लेफ्ट को छोड़ो, राइट को पकड़ो, अब लेफ्ट में क्या है, ये वाला 2, ठीक है, तो अब जब मैं इसको छोड़ूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 2 था ना हमारे पास, तो मेरे पास क्या बचेगा, जब मैंने इसको छोड़ा और राइट को पकड़ा तो राइट में इस बार आ जाएगा 3, तो 2:3:3 दैट इज 9 9 2 18, सी की वैल्यू आ गई। अब अगेन जब मुझे लेफ्ट को छोड़ना है तो लेफ्ट में क्या बचा है, ये 3, और राइट को पकड़ूंगी तो ये आ गया, तो नाउ दिस इज डी, 2:4:3 दैट इज 24। ये मेरे पास वैल्यू आ गई a:b:c:d। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली a की निकालनी है, a की कहां से आई बेटा, यहां से आई, d की कहां से आई, यहां से आई, तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है यहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, a:b, b:c, c:d क्या है, 3:4, 5:6 एंड 11:9 मुझसे a:d पूछा है। बहुत सिंपल है, कैसे बता दोगे, a तो ये है और d ये है ना, करो निकालो, 15 15 into 15 165 165 is 2, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो
थ्री इंटू फाइव इंटू इलेवन ए है और फोर इंटू सिक्स इंटू नाइन बी है। जो कट रहा काट दो, थ्री से ये कट गया, देखो क्या कट रहा है, थ्री से कटा, थ्री टू जा सिक्स, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो 55 और 8 9 जा 72, तो आंसर है 55:70, ऑप्शन बी। समझ आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो बड़ा आसान है, ये तो कर लोगे। अब आप ए इज टू बी की वैल्यू दी है 5:7, बी इज टू सी की वैल्यू दी है 6:11, जल्दी से बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 6, यहां पे 7। इसकी एक और ट्रिक देखो, अगर इतना लंबा करने का मन नहीं है, सिंपली ध्यान से सुनना, देखो ट्रिक मिस हो जाती है, जब शॉर्टकट आता ना तो लगता है अरे क्या हो गया। ट्रिक क्या है? जिग जैग जिग। क्या बोला? 5:6 30, 6:7 42, 7:11 77, आंसर 30 42 77। जरा उससे भी करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यही आंसर।